अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सर। दिस इज सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी यम्मी क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता। ये वाला वाइट सॉस होममेड पास्ता उन सबसे ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है जो भी आपने किसी रेस्टोरेंट्स में खाया होगा। बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। चलें तो फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। उबलते हुए पानी में एक चाय का चम्मच नमक ऐड करके इसको मिक्स किया। 2 कप पास्ता मैंने ऐड किया है इसमें, 1 कप शेप्ड और 1 कप सिंपल, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। बस अब मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से बॉईल करूंगी। जी पास्ता बॉईल हो चुका है, अब मैं इसको ठंडे पानी से गुजार लूंगी। 3 खाने के चम्मच देसी घी ऐड किया, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी में ऐड की 1 मीडियम साइज़ की चॉप प्याज, इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। थोड़ा सा चॉप्ड लहसुन ऐड किया, इसको भी अभी मैं 2-3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन, ये 150 ग्राम है बोनलेस, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। चिकन ऐड करके मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्च, ये 3 कलर की शिमला मिर्च है मेरे पास, और बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स हैं, ये मैं ऐड करूंगी। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया। अब इसमें जाएगी 1 चाय की चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच धड़ा मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच ऑरेगानो और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। ये सब ऐड करके 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है। बस इस पास्ता को अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने उतार लेना है। ये पास्ता रेडी हो चुका है। अब मैं वाइट सॉस बनाऊंगी। 3 खाने के चम्मच घी लिया है, इसमें मैंने 3 ही खाने के चम्मच मैदा ऐड कर दिया है। 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब मैं इसमें 1 कप दूध ऐड करूंगी, फ्लेम मीडियम रहेगा। दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसको बस मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। विस्क से मैंने इसे थोड़ा सा फेंटा ताकि कोई गिल्टी वगैरह ना रह जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखें सॉस काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चाय की चम्मच धड़ा मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच काली मिर्च और 1/2 चाय की चम्मच ही नमक ऐड करूंगी। बस 2-2.5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए कुक करना है। 1/2 कप मैंने इधर मोज़रेला चीज़ ऐड की है, बस चीज़ ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है, मिक्स कर लेना है। देखें हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है, बहुत ही क्रीमी यम्मी और चीज़ी, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लग रही है। जो हमने चिकन पास्ता रेडी करके रखा है वो इस सॉस में ऐड किया। बस इसको अब मैं लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। वाइट सॉस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मुझे पास्ता में बहुत ज़्यादा सॉस नहीं पसंद इसलिए मैंने इतनी बनाई है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा बना सकते हैं।
देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।